बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैज़ान अहमद, शेफ़ सीक्रेट रेसिपीज़ में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ नमकीन कबाब, मटन नमकीन कबाब की रेसिपी, स्पेशल रेसिपी है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको मैं कैसे बनाऊँगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने ये मटन का कीमा लिया है, चर्बी वाला। मैं 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगा, पिंक सॉल्ट, क्योंकि थोड़ा सा नमकीन होता है। 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्ची, लहसुन, 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून अदरक पिसा हुआ, हरी मिर्ची पेस्ट 1 टेबल स्पून, इतना मिक्स कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह मैरिनेट हो गया है। इसको मैं 1 घंटे के लिए रखूंगा, उसके बाद मैं इसमें 1 अंडा ऐड करूंगा। इसको मैं 1 घंटे के लिए छोड़ता हूं, उसके बाद अंडा ऐड करके फिर मैं इसको 1 घंटे के लिए और छोड़ूंगा। फिर ये बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन कबाब बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर इसको हम बारबेक्यू करेंगे। लेकिन इसमें मैं 1 अंडा ऐड कर रहा हूँ। ये सिर्फ इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि बस एक एहतियातन टूट के गिरे ना सीख से, कि चर्बी वाला कीमा है। इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन रेसिपी है, बिल्कुल एक्यूरेट रेसिपी है। ये 1 किलो कीमे का बैच मैंने आपको बताया है। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए और छोड़ूंगा, फिर मैं इसको बारबेक्यू करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसकी बारी आती है, सीखों पे लगाएं इसको हम। ये देखिए सीखे, सीखे लिए मैंने चकोर वाली। आपने कटोरे में पानी लेना है, हाथ गीला करा, हमने जितना आपको कबाब चाहिए उतना आपने कीमा उठाया, इस पर आपने इस तरह, ये देखिए माशाल्लाह इस तरह आपने सीखे लगा लेनी है। ये देखिए सारे कबाब बना के रखते हैं इस तरह। ये देखिए माशाल्लाह सीखे सारे लग चुके हैं। सीखे में बस चकोर वाले कम थी, इसलिए मैंने इस पर लगा दिए। अब इसको हम बारबेक्यू करते हैं। इसको बारबेक्यू करते हैं जीटी पे। देखिए माशाल्लाह कबाब रेडी हो गए। हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू एपिसोड में। हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।